हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो ऑफ नूपुर हैकर चैलेंज। एंड गाइस, आज के दिन हम खेल रहे हैं हेयर टैटू बाबासाहब मास्टर। ओए मुन्ना, आज हम लोग कटिंग वटिंग करने वाले हैं क्या? ए भैया, सिर्फ कटिंग नहीं करेंगे बल्कि भैया आज हम लोग हेयर टैटूज भी बनाने वाले हैं। हेयर टैटू? ओए, हेयर टैटू बनता है क्या? क्यों नहीं बनता भैया, बहुत जगह बनता है। ओए पता नहीं कैसे बनता है, चलो वो तो गेम में देखेंगे। चलो दोस्तों, आज गेम में देखते हैं कौन होता है नूब, कौन बनता है प्रो, कौन होता है आज के हैकर। गाइस साथ में बताने में आप सभी लोग कौन हो। अगर गाइस प्रो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों अगर हैकर हो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर गॉड हो फिर सभी लोग प्यारा प्यारा कमेंट भी कर देना। अच्छा, ओए तो क्या प्लान है वैसे? कैसा सर जी, वैसे आपको कौन सी कटिंग चाहिए? ये तो नॉर्मल है, ये तो कोई भी कर लेगा। एंड ये मैंने चलाया ट्रिमर, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया। अरे भैया यार, आप उस बंदे को पूरा ही टकला किए दे रहे हो। ओए मैं मुन्ना अपने हिसाब से कटिंग करूंगा, देखना एकदम बेस्ट कटिंग होगी। ओए भैया, वो तो आपको कस्टमर ही बताएगा कि कैसी कटिंग है। देख लेना मुन्ना, वो मेरी तारीफ से एकदम पुल बांध देगा। भैया वो तो पता चलेगा कि आपकी तारीफ से यहाँ पे पुल बनेंगे कि भैया आपको बांध के मारा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सर जी आपको डिजाइन चाहिए? ये भी बन जाएगा, बहुत इजी है। कैसे बनता था? ये क्या सब कुछ बेकार हो गया? कोई ना, हम लोग दोबारा इरेज करके बनाएंगे। वाह भैया वाह, ऐसा बनाओगे आप? ओए सर जी मुझे एक मौका दो। कोई मौका नहीं मिलेगा भैया। कैसे हो सर? चलो वाह, अभी तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम इनके हेयर ठीक से काटो। आओगे, डोंट वरी, टेंशन मत लो, मैं इनके हेयर ठीक से ही काटूंगा, तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। ठीक है बाप, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्या ध्यान रखेगा, ये मुझसे भी बड़ा नूबड़ा है। आप तो भैया ऐसा बोल रहे हो, भैया आप एकदम फुल प्रो हो यार। वो मुन्ना, वो पहली बार गलती हुई थी, अब नहीं गलती होगी। ओए आओ मुझसे कुछ सीख ले जैकी, देख रहा है इस तरह से कटिंग की जाती है। अभी थोड़ा सा डिजाइन बनाने का वक्त हो चुका है। कैसे कैसे लोग है, बालों के पीछे कौन डिजाइन बनाता है? ए बाबा, जो कस्टमर बोल रहा है वो बना दो। है ओए वही तो, बकवास मत कर हमसे। ये क्या है, ये क्या बना रहा है? ट्रायंगल शेप दे रहा हूँ। ट्रायंगल? वो ले 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 ट्रायंगल शेप, नूब कही क्या, पैसे कम मिले हैं। ये मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार से तू निकल ही जाएगा बार बार शॉप से। तू कौन होता है मुझे निकालने वाला? अभी आप लोग शांत रहो, मुझे थोड़ा सा इनके हेयर यहाँ पे कलर करने दो। ये हेयर को इस तरह कलर कौन कराता है? क्यों नहीं भैया, कुछ लोग शौक होते हैं तो करा रहे, तो भैया कराने दो। आपको क्या दिक्कत हो रही है? ओए मुन्ना, मुझे भला क्या दिक्कत होगी, हमारी शॉप का तो उल्टा मुन्ना फायदा ही हो रहा है। ओए हाँ तो भैया चुपचाप से साइलेंट मोड में शांत हो जाओ। साइलेंट मोड में? लेकिन मुन्ना साइलेंट मोड में कैसे कोई शांत हो सकता है? ओए यार भैया बस शांत रहो यार। ठीक है, ये कैसे कलर किया है? रुको तो भैया, अभी होगी वॉशिंग। एंड ये देखो भैया, एकदम फुल रेशमी बाल। रेशमी बाल? ओए अभी तक तो नहीं दिखे। हाँ अभी दिखे, वॉश होने के बाद दिखे मुन्ना। भैया अभी हम लोग थोड़ा सा इन बालों में हीट देंगे। हीट? ओए जला देगा क्या पागल? ना ना भैया, वो सब नहीं, स्टीम वाली हीट। चलो अभी देखना भैया, ये बन गया ना सही। ओए क्या कमाल, ओए ये तो मस्त लग रहा सर जी, बड़ा मस्त लग रहा। पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं देखे गए? आपको क्या लगता है भैया, तारीफ करने से पैसे एक्स्ट्रा थोड़ी मिल जाएंगे? ओए मिल जाते कभी कभी। ओए वाह भैया, फिर करते रहा करो सबकी तारीफ। ओए मुन्ना, इससे अपने बाबा साहब की यहाँ पे टीआरपी भी तो हाई हो जाएगी ना। टीआरपी? टीआरपी नहीं बोल रहा था क्या? भैया आपका कुछ नहीं हो सकता। इसका कुछ था ही, कब आओगे? हिचका हिचका। ओए तू शांत रह डॉगी। डॉगी किसे बोला? ओ तो डॉगी को डॉगी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? ओए मेरा नाम बॉब है। ओए तो बॉब है तो फिर डॉगी तो है ही ना, ज्यादा मत बोल। ओए बॉब मुझे कटिंग करने दे, नहीं तो मैडम जी की कटिंग बिगड़ गई ना, तो मैडम जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओए कटिंग कर ले, फिर मैं भी तेरी एक प्रकार की कटिंग करूंगा, टक्के टक्के वाली कटिंग, तेरे टुकड़े टुकड़े को मैं काट दूंगा। मेरे टुकड़े टुकड़े कैसे काटेगा? ओए दरिंदा है क्या? दरिंदा ही बन जाऊंगा, क्या कर लेगा? ओए तू बॉब लगता है तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। चलो मैडम जी, ये लीजिए, आपने जैसा बोला था रेड कलर आपका बाल का हो गया। रेड कलर है क्या ये? हाँ रेडी कलर है, नूप दिख नहीं रहा क्या? अभी हम लोग मैडम जी के बालों करेंगे वॉशिंग, एंड वॉशिंग कंप्लीट होते ही इसमें थोड़ा सा यहाँ पे वो स्टीम वाली हीट देंगे।
हाँ उसके बाद भैया एकदम मस्त बाल बन जाएंगे। ओए मुन्ना अब भी देख, हम लोगों ने हेयर सलून खोला है ना, तो मुन्ना उसको ऊपर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमें लोगों की बनती है। अरे भैया ऊपर कहाँ पे ऊपर पहुंचा रहे हो? ओए मुन्ना आसमान की ऊंचाइयों में। अहो किस आसमान की ऊंचाइयों पहुंचाने की तो बात कर रहा है? ओए नूब कहेगी आसमान की ऊंचाइयों का मतलब है मैं अपने बाबा सलून को इस शहर का सबसे बेस्ट बाबा सलून बनाऊंगा। ओए अहो यह बात है क्या? ठीक है देखते हैं क्या होता है। ओए क्या होता है, बेस्ट वर्कर तभी कुछ होगा, नहीं तो तुझे मैं जॉब से निकाल दूंगा। अहो तो होता कौन है मुझे निकालने वाला, टक टक नहीं कर दूंगा मैं तेरे। ओए फिर मुन्ना अगर ये किसी काम कर रहा है तो इसे निकालो तो पड़ेगा ही ना। ए भैया यार चुपचाप से आप पहले अपना वर्क करो। ओए मुन्ना मैं अपना वर्क बेहतरीन तरीके से निभा रहा हूँ ऑलरेडी। ओए हाँ तब तो अच्छी बात है। चलो भैया लगे रहो और क्या। तब तक वैसे बाब ठीक से बाल काटना हो, नहीं तो कोई दिक्कत हुई ना फिर से पैसे कम मिलेंगे। आओगे इस बार तुम टेंशन मत लो, इस बार मैं एकदम ठीक से हेयर कटिंग करूंगा। ये देखो मैंने अभी तक तो सब बढ़िया किया है ना। वैसे लग तो रहा है। ठीक है बाब अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है इनको स्टार बनवाना है। स्टार? ओए ठीक से करियो तो बिगाड़ देता हर चीजें। ओए आओ तू मुझ पे भरोसा कर सकता है। हाँ देखते हैं। ओए ठीक से बाब आओ ज्यादा ठीक ठीक मत कर, मैं तो तुझे ठीक कर दूंगा। ओए मैं तो तुझे बता रहा था बिगड़ना नहीं चाहिए। आओ तो तू अपना मुंह बंद रखेगा तभी नहीं बिगड़ेगा, नहीं तो अगर ये बिगड़ा ना तो मैं तेरी भी हालत बिगड़ा दूंगा। बिगड़ा देगा क्या मतलब है? बिगाड़ दूंगा इसका मतलब है। ओ अच्छा ये बात है। एक क्या मतलब है बिगाड़ देगा? और तू मुझसे फाइट करना चाहेगा क्या? अहो वो भी कर लेंगे, पहले मुझे ठीक से फिनिशिंग दे दो। एकदम सही, सही तो ना होगी। हाँ बाप बढ़िया था। चलो अभी क्या करना है? अभी होगी स्टीम का वक्त हो चुका है। ओ अच्छा और अब क्या बात है बाब? अंकल जी को तो तुमने, अंकल जी नहीं है उन्ना वो लड़का है। ओ अच्छा मैंने गलती से गलत बोल दिया है। वाह बन्ना वाह, लगता है तू सलून अपना चलने से पहले ही बंद करवा देगा। ओए ओए सॉरी भैया यार। वाह ओए क्या चाहिए अंकल जी को? मैंने अंकल जी नहीं है तो। ओ अब तेरा क्या कहना है? ओए मेरे से भी गलती से इधर उधर हो जाता है कभी कभी। चलो अभी क्लीन शेव तो हो चुकी है, अभी नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नेक्स्ट प्रोसेस है मुन्ना हेयर कटिंग करना। हाँ भैया ठीक है, पहले मुझे क्लीन शेव तो ठीक से कर लें दो। वैसे सर जी को यहाँ पे हेयर कटिंग करानी भी कि नहीं? ओए हाँ भैया करानी तो होगी। नहीं नहीं हेयर कटिंग करानी नहीं, बस हेयर वॉश कराने हैं। ओ अच्छा ये बात है। ओके तो हेयर वॉश कर दिया जाए फिर मुन्ना। हाँ भैया वो ही कर रहा हूँ, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ओए मैं तो तुझे बस बता रहा था। तो हेयर स्टाइल क्या होनी चाहिए? हेयर स्टाइल बस सिंपल रहेगी, ज्यादा कुछ है नहीं है भैया। ये लो सब कुछ एकदम फिनिश हो चुका है। देखा भैया कैसे वो खुश होके गया है। ओए ठीक है, मतलब कटिंग तूने बढ़िया की है? कटिंग तो भैया मैंने की ही नहीं। ओ अच्छा नहीं की है। अहो चलो सर जी आ जाओ, ये कौन सी कटिंग कटाना चाहते है? ओए ये है रसल कटिंग। ओए अहो रसल ठीक है हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओए बाब तुझसे बनती उनती भी है कि नहीं? ओए अहो तू मुझ पे भरोसा कर सकता है और तू यहाँ से निकल ले, क्योंकि अगर तू बीच में बच्चर बच्चर बोलेगा ना तो मैं बीच से डिस्टर्ब हो जाऊंगा। ओए बीच से डिस्टर्ब होगा क्या मतलब है बीच से डिस्टर्ब होगा? आहो तू अपना मुंह बंद रखेगा, मैं पता नहीं कुछ भी बोल रहा हूँ तेरे चक्कर में। ओए चल ठीक है आराम से बाबा, पेशेंट होके चीज करना। ओए पेशेंट नहीं बोलते उसे, पेशेंस बोलते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, ये क्या चीज है भला? आहो ये तो डिजाइन है, डिजाइन ही बाब, इसे कटिंग बोलते हैं, इसे टैटू बोलते हैं। ओए अहो आराम आराम, अहो हिल गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं बाप वो सही हो जाएगा, बस आगे मत बिगाड़ियो। आगे तो बिगड़ ही नहीं सकता, ये आराम से मैंने ये ब्लेड चलाई अभी तो ठीक है ना। ओए अभी आगे और बचा है नूब। अहो धीरे धीरे सब कुछ आराम आराम। ओए बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बाप, बस ऑलमोस्ट डन है, बस थोड़ा सा ऊपर मैं थोड़ा सा हिल गया था लेकिन कोई ना ठीक ही है। अहो अभी कलर के बारे, चलो अभी टाई मारते हैं यहाँ पे हेयर्स पे। यह क्या इसको येलो कलर ही क्यों चाहिए? ओए अब उससे पूछ क्यों चाहिए। अब तू थोड़ी डिसाइड करेगा, उसने बाप जो बोला है वही कलर करना। ओए
वही कर रहा हूँ मैं तो, बस ऐसे पूछ रहा था। ओए तुझे ज्यादा पूछने को जरूरत नहीं है बाबा, जितना कस्टमर बोले उतना करना चाहिए। ओए ठीक है ना, तू क्यों बच्चर बच्चर बोल रहा है? ओए क्या बात है, अब इसको स्टीम दे के बाबा मस्त हेयर स्टाइल में चेंज कर दे। ओ मुझे पता है, चलो येलो सर जी आपका बाल कंप्लीट हो गए, सही लग रहे हैं। थैंक यू सर जी, दोबारा फिर मत आइएगा। ए भैया यार, ये कौन सी बात होती है? और मजाक कर रहा था। तो दोस्तों वैसे आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट से जरूर बताइएगा। गाइस वीडियो पसंद आया लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी गाइस आप सभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओए हां बाय बाय दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।